नमस्कार, मैं जहांगीर आलम, आप देख रहे हैं गोल्ड फिल्म मिरर, हर पल आपके साथ। नमस्कार, मैं ट्विंकल वर्मा आप सभी को इस कोरोना वायरस से खुद को बचाए रखने की अपील करती हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जारी किए गए इस लॉकडाउन नियम का पालन करें, अपने पैरों को घर पर ही टिकाएं, खुद को और परिवार को स्वस्थ रखें, अपने घरों की साफ सफाई पर ध्यान दें, अगर हो सके तो आसपास के जरूरतमंद लोगों की मदद करें। इस तरह नियम तोड़कर आप सभी डॉक्टर्स, पुलिस, सफाई कर्मचारी और पत्रकारों जैसे बाकी जो अपने जीवन को दांव पर लगाए हुए हैं, उनकी मेहनत पर पानी ना फेरे। इस तरह देश की एकता और अखंडता को बनाए रखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं नीलू ठाकुर। प्रकृति के इस भयानक प्रकोप से बचने के लिए हमें एकता के साथ एकजुट होकर लड़ना होगा। इसके लिए आप सरकार के द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करें, घर पर ही रहें। आपका कुछ दिनों का संयम और सहयोग आपके और आपके परिवार के लिए ढेरों खुशियां ला सकता है। इसलिए स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें और घर पर ही रहें। नमस्कार, मैं हूं मनीषा प्रसाद। जैसा कि देखा जा रहा है, आज पूरे देश में कोरोना का आतंक फैला हुआ है। धीरे धीरे हिंदुस्तान में भी इसने अपना धाक जमा लिया है। यह एक संकट का समय है और इस समय में हमसे उम्मीद की जाती है कि हम एक होकर लड़ें और विजयी हो। पर हम विजयी तभी होंगे जब हम सरकार के दिए गए नियमों का पालन करेंगे, घरों में कैद रहेंगे। लेकिन एक बात यह भी है, अगर घर में आपके ज़्यादा से ज़्यादा सदस्य हो तो उनसे भी एक निश्चित दूरी बना कर रखें और कोरोना के संक्रमण को बढ़ने से रोकें, ताकि यह संक्रमण फैल ना पाए। और कुछ रचनात्मक करें, इस समय को सुंदरता से व्यतीत करें। बहुत दिनों से आपने जो काम नहीं किया है उनको पूरा करें, कुछ लिखे, कुछ पढ़े, कुछ नया करें। और चित्रकला भी आप कर सकते हैं, लेकिन घरों में रहें, बाहर ना जाएं, बाहर जाकर खतरा ना मोड़ लें, घर में ही रहें, स्वस्थ रहें, सजग रहें, खुश रहें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं शारदा दास एफएम न्यूज चैनल की तरफ से आप सभी जनताओं को संदेश देना चाहती हूँ कि आप सभी बाहर बार बाहर निकल के ऐसे सरकार की परेशानियों को और ना बढ़ाएं। आप सभी को पता है कि कोरोना वायरस की वजह से कितनी हाहाकार मची हुई है। अगर आप बाहर जाते हैं, बाहर किसी से मिलते हैं, अगर उनको ये वायरस हुआ और उनके थ्रू आप तक ये वायरस पहुँचा और ये वायरस आपका एक गलती पूरे परिवार को ख़त्म कर सकता है। वो वायरस इतना खतरनाक है कि वो किसी को छूने से भी हो जा रहा है। इसलिए बार बार आप अपने हाथ धोते रहें। अगर बाहर निकलना भी है तो बाहर मास्क लगा के निकलिए और अपने आसपास के उन लोगों का ध्यान दीजिए, उन गरीबों को देखिए जो समय पे खाना खा पा रहे या नहीं, क्योंकि इस लॉकडाउन की वजह से बहुत परेशानियाँ हो रही है। तो आप इस परेशानी को बाहर निकल के और मत बढ़ाइए, क्योंकि अगर आप बाहर निकलेंगे, इस वायरस का समाधान नहीं होगा तो फिर लॉकडाउन की तारीखें और बढ़ा दी जाएगी। आप कम से कम अपने बारे में ना सही, अपने आने वाली पीढ़ियों और उन गरीबों मजदूरों के बारे में सोचिए जो डेली खाते कमाते हैं, जिनके वजह से अगर लॉकडाउन का डेट और तारीख बढ़ा दिया जाए तो उन गरीबों का, उन मजदूरों का क्या होगा जो काम नहीं कर पा रहे। कितने गरीबों को खाना नहीं मिल पा रही है, ठीक से वो खा नहीं पा रहे, उनके पास पैसा नहीं है। इसलिए आप कम से कम आप घर में रहकर ही सबकी मदद करें। अब समय आ गया है कि हमें एकता में आकर इस कोरोना वायरस को जल्द से जल्द इसको ख़त्म करना होगा। इससे अगर छुटकारा पाना है तो आप घर पर ही रहकर हमारी मदद करें। आप इसे बाहर निकल कर इसे बढ़ाएं नहीं, घर पर अपनी आप खुद भी कहीं बाहर ना जाए और अपने परिवार के किसी सदस्य को भी बाहर ना जाने दें। अगर कोई बाहर से आ रहा है तो उनको तुरंत सैनिटाइजर या हैंड वॉश या उसका हाथ धुलवाइए। बाहर हमेशा बोलिए मास्क का प्रयोग करते रहे, यहाँ तक घर पे भी एक एक मीटर की दूरी बना कर रखें, जिससे शायद थोड़ा आप मदद कर पाए, हमारे लिए कुछ कर पाए। बाहर निकल के परेशानियों को मत बढ़ाइए। बाहर निकलना है तो जाके गरीबों की मदद कीजिए, मास्क लगा के जाइए, गरीबों को अपने आसपास में ध्यान दीजिए कि सबको खाना मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। और मैं धन्यवाद कहूँगी उन पुलिसों को, डॉक्टरों को, पत्रकारों को कि सफाई जो सफाई कर रहे हैं अभी भी उनको छुट्टी नहीं है, क्योंकि वो अभी भी वो सिर्फ हमारी सुरक्षा के लिए वो अपना जान जोखिम में डाल के वो काम कर रहे हैं जिनसे हम सुरक्षित हो पाए। जब वो इतना हमारे लिए कर रहे हैं तो हम थोड़ा तो उनका मदद कर सकते हैं। इसीलिए आप अपने घर पर रहकर ही उनकी मदद करें। सड़कों पर सन्नाटा, पर अंदर बहुत शोर है।
रुक जा मनुष्य, हालात बहुत कमजोर है। नमस्कार, मैं हूँ पूजा कुमारी वाल्मीकि। CFM न्यूज़ की तरफ से मैं आप सभी को ये कहना चाहती हूँ कि आप सभी अपने परिवार की रक्षा कर सकते हैं। जी हाँ, सिर्फ और सिर्फ घर पर रहकर। आपको कुछ नहीं करना है, आपको घर पर ही रहना है। तो चलिए ना, हम सभी मिलकर प्रधानमंत्री के कदम से कदम मिलाएं और एक अच्छे नागरिक होने का सबूत दें, ताकि वे इस भयंकर बीमारी से हमें बचा सके। नमस्कार। नमस्कार, मैं पूजा कुमारी साहू पूर्व वर्धमान से। CFM न्यूज़ के माध्यम से मैं यह देशवासियों को संदेश देना चाहती हूँ कि आज हमारा देश एक कठिन परिस्थिति से गुजर रहा है, और ऐसे में देश के हर एक नागरिक का जो दायित्व है, जिम्मेवारी है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। आज हमें स्वयं को बचाते हुए दूसरों की भी सहायता करनी है, और हम सभी जान रहते हैं कि आज पूरा विश्व कोरोना वायरस के महामारी से जूझ रहा है। ऐसे में मेरा पूरे भारतवासी से विनम्र निवेदन है कि इसे हल्के में ना ले। यह एक बहुत ही भयंकर महामारी का समय आया है, उससे हमें लड़ना है, और उससे लड़ना तभी संभव होगा जब हम सब एक होंगे, हमें एकता होगी। और इसके लिए हमें भारत सरकार द्वारा दी गई हर एक निर्देश का पालन करना होगा, सामाजिक दूरत्व का जो ध्यान देना होगा, और साथ ही साथ आसपास के लोगों के साथ साथ स्वयं को भी जागरूक करना होगा, और अगर आवश्यकता है तो ही घर से बाहर निकलना है। आवश्यकता नहीं तो घर से बाहर निकलने की कोई ज़रूरत नहीं है। और आप जब भी बाहर निकलते हैं तो आपको घर मास्क जरूर पहने और स्वच्छता का ध्यान रखें। और साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहूँगी कि एक चीज़ कि जो हमारा यहाँ मजदूर वर्ग है, उसकी सहायता जितना हो सके वो आप सभी मिलकर करें। और मैं और एक बात कहना चाहती हूँ कि हमारे यहाँ घोषणाएं बहुत होती है, लेकिन जो 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 प्राप्य व्यक्ति है, जिसे यह सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए, उस तक ये सुविधाएं मिलती नहीं है। कृपया इसके लिए सरकार कुछ करे, सीधे उस व्यक्ति तक जो ज़रूरतमंद है, जो ज़रूरतमंद व्यक्ति है, उस तक पहुँचे, उस गरीब व्यक्ति तक पहुँचे जो खा नहीं पाते, वो घबराए हुए हैं कि क्या करें। और इस कठिन समस्या के समय हमें यह भी देखना पड़ेगा कि हम किस तरह से इसका इलाज कर सकते हैं। हम सब भारतवासी जानते हैं कि कोरोना वायरस से अगर हमें बचना है तो जो सोशल डिस्टेंस है उसका ध्यान रखना पड़ेगा, और जो चेन है उसे तोड़ना पड़ेगा, और इसका एकमात्र इलाज है वह है घर में रहना, सामाजिक दूरत्व। तो सभी से विनम्र निवेदन है कि आप सामाजिक दूरत्व का ध्यान रखें और जागरूक बने, और आसपास के लोगों को भी जागरूक बनाएं। धन्यवाद। मैं सुनोबर सुल्ताना कॉलफील्ड मिरर की सदस्य प्रिया की रहने वाली। आजकल कोरोना के बढ़ते प्रभाव से हम सभी अच्छी तरह से वाकिफ हैं। समय के साथ साथ स्कूल, कॉलेज एवं यातायात के विभिन्न साधने बंद कर दी गई है, परंतु कुछ विपरीत मानसिकता के लोग जो इस समस्या को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं एवं सरकार के विभिन्न नियमों को तोड़ने में आनंद महसूस कर रहे हैं, मेरा उनसे विनम्र निवेदन है कि वह सरकार के सभी नियमों का पालन करे। ऐसा करते हुए वे अपने साथ अपने आसपास के लोगों को भी सुरक्षित रखने का कार्य करें। अतः सरकार के नियमों का पालन करके समय समय पर हाथ धोया जाए, लोगों से दूरियां बनाए रखी जाए, कुछ अंदेशा होने पर चिकित्सा से सलाह लिया जाए एवं अपने अपने परिजनों का रक्षा किया जाए। एक जागरूक, सजग एवं संवेदनशील नागरिक बने। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं CFM न्यूज चैनल। मैं नंदिनी कुमारी साहू आप सभी का इस चैनल में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज पूरी दुनिया कोरोना वायरस से जंग लड़े, जिसमें हमारा देश हिंदुस्तान भी शामिल है। हम हिंदुस्तानी ही हैं वो जो इस जंग को जीत पाएंगे, लेकिन यह तभी मुमकिन हो सकता है जब आप हमारा साथ देंगे। इसलिए जो लोग घर से बाहर निकल रहे वो लोग घर से बाहर ना निकले, घर पर ही रहें, समय समय पर हाथों को धोते रहें, सर्दी खांसी जुकाम ऐसे लक्षणों को नजरअंदाज ना करें, तुरंत जाकर नजदीकी के डॉक्टरों से सलाह लें, सरकार के बनाए गए नियमों को पालन करें और भारतवासी होने का धर्म निभाएं। मैं धन्यवाद देना चाहूंगी उन डॉक्टरों को जो अपनी जान की परवाह न करते हुए कोरोना वायरस से पीड़ित मरीजों की इलाज कर रहे हैं, और मैं धन्यवाद देना चाहूंगी उन पुलिस नौजवानों को जो सड़क पे खड़े होकर हमारा ध्यान रख रहे हैं, और मैं धन्यवाद देना चाहूंगी उन पत्रकारों को जो अपनी चिंता न करके पल-पल की तमाम खबरें हम तक पहुँचा रही। उम्मीद है कि कोरोना वायरस से लड़ने के लिए सरकार ने जो हिदायत की है उस पर हम अमल करें। एक कदम खुद की ओर, सुरक्षित होगा भारत चारों।
धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मेरा नाम निशा कुमारी साव है। देखिए, हम सबको मिलकर कोरोना वायरस COVID-19 को फैलने से रोकना है। अपने हाथों को हर 20 मिनट में धोते रहें, साफ करते रहें। सर्दी खांसी जुकाम जैसी कुछ भी बीमारी महसूस हो तो अपने नज़दीकी डॉक्टर से सलाह लें। 14 अप्रैल तक लॉकडाउन जारी रहेगा, इसलिए आप लोग से हाथ जोड़ के निवेदन है कि अपने घरों से बाहर ना निकले, अपने घरों में रहें, इस आदेश का पालन करें। हमारे डॉक्टर्स, हमारे पुलिस, हमारी सरकार दिन रात कोरोना से लड़ने की बहुत कोशिश कर रही हैं। आखिर हमारा भी फर्ज बनता है कि हम इस लॉकडाउन का पालन करें, घरों में रहें और इस वायरस को ख़त्म करें। आखिर मैं बस यही कहना चाहूँ, मुश्किल के इस घड़ी में बिल्कुल ना घबराना है, मुश्किल के इस घड़ी में बिल्कुल ना घबराना है। कोरोना वायरस को हम सबको मिलकर इस दुनिया से मार भगाना है। आप लोगों को अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, अगर किसी भी चीज़ की हेल्प चाहिए तो हमारे नीचे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद। कोरोना जो आज आतंक रूप बन चुका है, जो पूरे विश्व में आज अपना आतंक फैलाए हुए हैं, उसे आज भी कई लोग गंभीरतापूर्वक नहीं ले रहे। उनसे मेरी यही अपील है कि वो अपने घर पर रहें, अपने परिवार का ध्यान रखें, अपने देश का ध्यान। आज भारत का हर एक नागरिक स्वयं में योद्धा है और स्वयं का रक्षक भी। जब हमारे देश में आतंकियों का हमला होता था तब हम सोचते थे, हमारा खून भी खोलता था कि हम कुछ नहीं कर सकते, परंतु आज हमें मौका मिला है कुछ करने के लिए, अपने देश के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने देश के हर एक नागरिक के लिए। कोरोना भी आज आतंकी का भूमिका निभा रहा है और हम सैनिक का। बॉर्डर पे हम नहीं जा सकते, परंतु घर बैठे तो हम अपने देश की रक्षा जरूरी कर सकते हैं, अपने परिवार की रक्षा कर सकते हैं। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप घर से बाहर ना जाएं, अपने परिवार का ध्यान रखें, अपने देश का ध्यान रखें, देश के हर एक नागरिक का ध्यान रखें। घर पर रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं खुशबू कुमारी गुप्ता CFM चैनल से आपको एक संदेश देना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप घर से बाहर ना निकले। आपके घर से बाहर निकलने से पुलिस प्रशासन को बहुत प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है, और घर से बाहर निकलने के बाद आप जिनसे मिलते हैं, अगर उसको कोरोना हुआ तो आपके साथ रहने की वजह से आपको भी हो सकता है, जिसके कारण आप घर जाएंगे तो आपके फैमिली मेम्बर को भी कोरोना वायरस हो सकता है। तो प्लीज़ आप घर पर ही रहें, और हाँ, हर 10 मिनट में हाथ धोएं और मास्क का प्रयोग करें, और घर में फैमिली मेंबर से भी 10 कदम की दूरी बनाए रखें, और अपने आसपास रहने वाले गरीब मजदूर की सहायता करें, उन्हें खाना पानी प्रदान करें, क्योंकि वो बहुत गरीब हैं, इसलिए आप उनकी सहायता करें। धन्यवाद।